अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे कम पॉपुलेशन एक कंट्री की कितनी हो सकती है, तो आपका जवाब 10,000 या फिर 5,000, कम से कम 1,000 तो होगा ही। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे स्वघोषित देश मतलब माइक्रोनेशन के बारे में बताऊंगा जिसकी पॉपुलेशन केवल 23 है। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब है इस देश में केवल 23 लोग ही रहते हैं। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और आपके काम की होने वाली है, तो ये वीडियो पूरा जरूर देखना। इस माइक्रोनेशन को स्थापित करने वाले का नाम लियोनार्ड कास्ले है। इस देश का नाम प्रिंसिपैलिटी ऑफ हट रिवर है, जो कि 1970 से पहले ऑस्ट्रेलिया का ही हिस्सा था। पर खास बात यह है कि रहने वाले 23 लोग एक ही परिवार के लोग हैं। यह देश 75 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। क्या आपको पता है, साल 1969 के पहले ये एरिया ऑस्ट्रेलिया का ही एक हिस्सा हुआ करता था, बट 1969 में ऑस्ट्रेलिया में आए एक गेहूं कोटा बिल के कारण ये एरिया एक दूसरा माइक्रोनेशन बन गया। असल में इस बिल के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया कंट्री का कोई भी किसान गवर्नमेंट को 100 करोड़ से ज्यादा का गेहूं नहीं बेच सकता था। लियोनार्ड, जो कि प्रिंसिपैलिटी ऑफ हट रिवर के प्रिंस थे, उनके पास 1300 एकड़ से भी ज्यादा की खेती थी और इस लॉ के कारण उनका बहुत नुकसान होता था। ये भी कहा जाता है कि लियोनार्ड ने ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट के साथ बात बनाने की कई कोशिश की, पर कुछ फायदा नहीं हो पाया। और फिर क्या, लियोनार्ड ऑस्ट्रेलिया से अलग हो गए और इस तरह प्रिंसिपैलिटी ऑफ हट रिवर के रूप में माइक्रोनेशन बन गया। आप में से कुछ लोगों को यह बात जानकर हैरानी होगी कि इस माइक्रोनेशन का खुद का झंडा और खुद की करेंसी भी है, और अमेरिका और फ्रांस सहित लगभग 10 देशों में इस कंट्री के ऑफिस भी है। पर मैं आपको बता दूं कि लियोनार्ड कास्ले ने ब्रिटेन की क्वीन को अपने देश की महारानी बनने के लिए भी कहा था, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। यहाँ वैसे देखने के लिए कुछ ज्यादा खास नहीं है, लेकिन इस कंट्री में विजिटर्स और लोगों को नेचर ब्यूटी और पॉल्यूशन से दूर रहने में सुकून मिलता है। अगर आप भी इस कंट्री में टूरिस्ट बन के जाना चाहते हो तो आपको एक अलग वीजा की जरूरत पड़ती है, और वीजा की कीमत $4,000 ही है, जो कि आपको आसानी से मिल भी जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।